अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? दिस इज मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक जबरदस्त बबल शीट मास्क शेयर करने जा रहा हूं। बबल शीट मास्क बहुत ज्यादा लाइक इन है, तो ये काफी ज्यादा इसका ट्रेंड है। आप देख सकते हो बबल मास्क कुछ ऐसा होता है, लाइक जब फेस पे अप्लाई करो तो अप्लाई करने के बाद इसमें झाग सी फेस पे बन जाती है, बबल से बन जाते हैं। तो ये भी मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमेजेस वालों का ही ये शीट मास्क है, इमेजेस वालों का ऑलरेडी मैं स्वीट मास्क शीट मास्क आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बायो एक्वा का भी, मनीषो के भी। तो अब मैं इमेजेस वालों का ही ये बबल शीट मास्क शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शीट मास्क को लेके। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पर आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो ये मेरे पास है इमेजेस वालों का बबल शीट मास्क, आप यहाँ पे देख सकोगे चलता हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस एंड मिनियो एसिड बबल फेशियल मास्क रिच इन फॉर्म बॉम चारकोल ऑयल कंट्रोल एंड हाइड्रा 25 ग्राम इसमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बैग पे भी सही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके लिखा हुआ है, मैं आपको ये पढ़ के बता दूँ। सिल्की मास्क टॉवल लाइट एंड ब्रीथेबल, नो थिक फिनिंग ऑन द फेस, मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग, हेल्पिंग टू इम्प्रूव द ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, लिविंग स्किन हाइड्रेटेड एंड फुल वाइल क्लीनिंग ओल्ड वेस्ट मटेरियल्स इन पोर्स रिपेयरिंग लार्ज पोर्स ऑफ क्रिएट ट्रांसपेरेंट डेलिकेट स्किन। तो बहुत ज़बरदस्त दवा है, लाइक जो उसके जो पोर्स हैं उसमें से सारा ये मैल कुछ एन निकाल देता है, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये हुआ ना। तो इमेजेस वालों का वैसे भी शीट मास्क मुझे बहुत पसंद है, उसका मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ स्वीट मास्क, जो कि मेरा फेवरेट तरीन है। तो अब मैं ये शेयर करने लगा हूँ। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको, ये मैंने रैंडमली मेरे कज़न की, मेरे जानने वाले किसी की दुकान है वहाँ पे आया था, तो मैंने वहीं से ये पिक किया। तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू कर दूँ, तो आप लोगों को कहीं से भी मिले आप ये ले सकते हो, अभी तक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको खोल लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्मेल की बात करें तो इट स्मेल्स लाइक चारकोल की ही इसमें स्मेल आ रही है, चारकोल की इसमें स्मेल है, वाओ। तो अंदर से कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यार ये शीट मास्क का सबसे ज्यादा पंगा मेरे साथ यही होता है, ये मुझसे खुलते नहीं है जल्दी। अभी इस पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे यार, बढ़ता अच्छा उल्टा पकड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको अपने फेस पे अप्लाई करने लगा हूँ, एज यू गाइस कैन सी इस तरह से मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। प्लीज तैयब उठी उठी जरा, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। इस तरह से मैं इसे अपने सारे फेस पे लगा लूँगा। तो मुझे नहीं पता कि मैंने सीधी साइड लगाई है या उल्टी, बस मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो या रहने दो, शीट मास्क चाहिए। तो ये मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। तो नोज पे ही, नोज के लिए पता नहीं ऐसा क्यों होता है, तो मैं ये वाला उठा कर नोज पे रख लूँगा, मैं कौन सा सीता हूँ, और ये वाला मैं इधर रख लूँगा, नीचे मैंने क्यों लगाना है, ठीक है। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो गया अप्लाई शीट मास्क, आप देख सकते हो। तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हो ये बबल से बन रहे हैं, मैं करीब से आके आपको दिखा देता हूँ। मेरे हाथ देखो, ये फुल ऑफ झाग बन चुकी है मेरे हाथों पे। तो इसके ऊपर भी आपको झाग नज़र आ रही होगी। तो इन्होंने टाइम यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट तक मैं इसको टाइम दूंगा, 20 मिनट के बाद देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। अच्छा, तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि इस पे ये कुछ ऐसे बबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे बबल्स है 10 मिनट बाद। तो अभी देखते हैं ये, यार ये मेरे बियर्ड है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने रफ सा लगाया हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं 10 मिनट बाद, क्या इसका हाल होता है। इस शीट मास्क को अप्लाई किए हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसकी हालत देख सकते हो, इस पे ये इस कदर ही बबल्स आए, इससे ज़्यादा नहीं आया, आप देख सकते हो।
ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर बबल्स आए हैं, जाग वो जितनी उन्होंने दिखाई है उससे ज्यादा नहीं आई, तो मैं इसको इस तरह से रब कर रहा हूँ अपनी स्किन पे, इसी के ऊपर मतलब इसको मसाज कर रहा हूँ। यार इनकी मुझे फेस के स्ट्रक्चर की नहीं समझ आई, नोज क्यों उन्होंने खाली छोड़ दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको अपनी स्किन पे मसाज करूंगा। सो यू गाइस कैन सी, पुख्तू की तो पहुंच गया नीचे उतर, कोमा लिया करने के बाद मैं इसको फेस से उतार रहा हूँ, और यू गाइस कैन सी के मेरे फेस पे अब छा गया, मुझे नहीं पता मुझे ये धोना चाहिए कि नहीं, तो इसको मैं फेस पे, ये बबल शीट मास्क है ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से फेस पे मसाज कर दूंगा। ठीक है, मसाज कर देता हूँ, देखता हूँ थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व होता है कि नहीं, ऑब्जर्व ना हुआ तो इसको मैं धो लूंगा। उसमें से देखते हैं ये क्या कर रहा है, तो इसमें से बहुत ज्यादा झाग निकल रही है, स्टिल झाग ही निकली हुई आ रही है, बबल टाइप जैसे साबुन नहीं होता हाथों में, ये उसी तरह का लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फेस पे अप्लाई किए जा रहा हूँ पागलों की तरह, बगैर टेस्ट किए, मतलब देखे कि क्या रिजल्ट देता है क्या, जैसे भी सीरम वगैरह कुछ नहीं है इसको, तो यार ये ड्राई नहीं होगा, तो इसको मैं धो के आता हूँ और फिर देखता हूँ ये कैसा है। तो मैंने क्या किया है कि अपने फेस से मैंने जस्ट पानी को मारा है, मतलब फेस को साफ किया है पानी के साथ, तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे फेस पे शाइन दे रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है यार, ये नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से, मतलब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ मेरी स्किन पे ये जो शाइन आ जाती है ना, यही मुझे मतलब बहुत तसल्ली बख्श लगती है, वरना ये पिंपल मुझे हो रहा है यहाँ पे, तो पिंपल नहीं है ये, मतलब मच्छर काट गया शायद मुझे, बट दिस इज़ नॉट पिंपल। ठीक है, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है इसका, लेकिन आप मुझसे ये पूछते हो कि मैं अगेन इसको परचेज करूँगा, तो बिग नो, क्योंकि मुझे इसकी दो चीज़ें समझ नहीं आई, शीट मास्क लगाने के बाद फेस को नहीं धोते लेकिन मुझे धोना पड़ा है, और ये जल्दी ड्राई नहीं हो रहा था, इसमें चारकोल है, चारकोल वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए थम्स अप इस चीज़ से, तो अब मेरी स्किन को इसने बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्राई कर दिया, मतलब ऑयली मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं फील हो रही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब बहुत ही अच्छे से इसने मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर दिया मेरी स्किन को, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि वो डिहाइड्रेट कर दे, स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से गुड, लेकिन मुझे इसकी फिर भी उस किस्म की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जो मुझे इमेजेस वालों के ही स्वीट मास्क की वजह से होती है, मुझे वो फेवरेट तरीन मास्क, अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, तो आई लव दिस मास्क। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।